Hey guys, welcome back to our channel. I am Sonam, back with new video. I hope everyone is good and fine. We are also here very good and fine. And today's video is about some skincare, night skincare or morning skincare. Before starting video, please don't forget a like, share and comment, and please subscribe our channel. एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो ना ही इंटीरियर से है रिलेटेड आज हमारा, ना ही हमारा अनबॉक्सिंग है, ना ही रिव्यू है. मैं जब को अपने 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. जो मैं एवरीडे यूज करती हूँ अभी, जो कि बहुत मिनिमम है, बहुत ज़्यादा कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ. बहुत सिंपल रूटीन होता है मेरा मॉर्निंग और नाइट का. लेट्स स्टार्ट विद वीडियो, देखते हैं क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ. एक्चुअली प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो टाइम है उसमें जितना कम फ्रेगरेंस की चीज़ें हैं मैं वही यूज़ कर रही हूँ. ज़्यादा फ्रेगरेंस हो गया, जैसे कि क्रीम्स वगैरह हो गई जिसमें फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मैं उसे अभी बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ. तो लेट्स सी क्या क्या है मेरे स्किन केयर में. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो चीज़ें हैं मैं ये आपको शो करना चाहूँगी. दिस फर्स्ट वन इज रोज वाटर. रोज वाटर मिनिमम 99% लोगों का फेवरेट होगा, तो वो 99% लोगों में मैं भी हूँ. दिस इज माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, जो कि मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ. जब से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया हुआ है तब से मैं यूज़ कर रही हूँ. एंड अभी तक ये मेरे स्किन केयर में एवरी डे के स्किन केयर में हमेशा होता है. एंड एज ए टोनर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ. मुझे जब भी रिफ्रेशिंग कुछ चाहिए होता है देन मैं गुलाब जल यूज़ करती हूँ. स्प्रे वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट वो आई थिंक मिला नहीं था या कुछ हुआ था, तो मैंने ये नॉर्मल वाला जो बॉटल पैकिंग है ये वाला परचेज किया था. तो फर्स्ट वन इज दिस रोज वाटर. एंड उसके बाद गुड वाइव्स के प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बहुत 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 सुना है. एंड इवन बहुत ही अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट, मिनिमम रेंज में काफ़ी अफोर्डेबल है. तो इसका ये टोनर राइस टोनर मुझे बहुत अच्छे से सूट हुआ. मेरी स्किन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो बहुत रेयरली कोई चीज़ें मुझे सूट करती है, तो ये राइस टोनर जो है ये मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से सूट करता है. एंड बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है एंड स्टिकी नहीं रहता है मेरी स्किन पे. तो ये दो मैं अल्टरनेटिव यूज़ करती हूँ. अगर कभी मुझे ये लगाना है तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज गुलाब जल तो ऑलवेज होता ही है. सो फर्स्ट जो मेरा स्किन रूटीन है वो ये है. आफ्टर फेस वॉश, देन सेकेंडली मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये है लॉरियल का रिवाइटल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस. इसके एडवर्टाइज, इसके रिव्यूज, इसके काफ़ी कुछ आपने आई थिंक ऑलरेडी जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके थ्रू आपको ऑलरेडी आई थिंक मालूम ही होगा, तो मुझे ज़्यादा ब्रीफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ये है. बहुत 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 लाइक वाटरी है, तो मुझे काफ़ी सूट करता है. मुझे ज़्यादा लाइक क्रीमी चीज़ें मेरी स्किन को बिल्कुल सूट नहीं करती हैं, तो मैं जितना ज़्यादा ट्राई हो सके जेल वाले प्रोडक्ट यूज़ करना वो ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेफ्टिंग भी होती है, ऑयली भी है मेरा स्किन, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी मेरा मेकअप ख़राब हो जाता है. सो मैं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ ऐसी चीज़ें जो थिन हो और मतलब ज़्यादा हैवी ना हो. तो सेकेंडली ये 10 layers डीप कंट्रोल होता है आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व होती है. प्राइस वाइज अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा ये मतलब कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली है. क्वांटिटी बहुत कम है, 22 ml का क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप ट्रायल कर रहे हो ना तो बेस्ट रहेगा ट्रायल के लिए 22 ml. अगर आप ट्रैवलिंग में अगर ज़्यादा हैवी बॉटल्स नहीं कैरी करना चाहते हो तो ये छोटे छोटे बॉटल्स बहुत ईजी हो जाते हैं कैरी करने के लिए. तो पैट साइज़ बहुत अच्छा है, ट्रायल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है. ट्राई करने के बाद अगर आपको सूट करता है तो ना बड़ा वाला जो इसका क्वांटिटी है वो 65 ml में समथिंग कुछ है,
और भी एक कुछ साइज है 120 समथिंग कुछ है, अब वो परचेज कर सकते हो। बट अगर फर्स्ट ट्राई करने वाले हो तो आप मेरी तरह छोटा पैक पैड बॉटल ही परचेज करो, बिकॉज क्या है ना, अगर आप इतने पैसे उसमें डाल रहे हो, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो सेकंड प्रोडक्ट ये है जो मैं कि टोनर के बाद यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, 2-3 ड्रॉप्स इनफ होते हैं, ज़्यादा यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आई थिंक ये बॉटल मेरी 2-2.5 मंथ्स हो गए हैं एंड अभी तक चल रही है, और अभी भी इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बाकी है, देख सकते हो थोड़ी सी क्वांटिटी बाकी है, तो ये भी चल जाएगा अभी 4-5 दिन, उसके बाद देखते हैं। और मैं इसे दोबारा अपने स्किन केयर रूटीन में डेफिनेटली ऐड करूँगी। सो सेकंड मोस्ट फेवरेट मेरा ये है, जो कि मैं डे नाइट हमेशा यूज़ करती हूँ। वैसे मैं अभी सच्ची बताऊँ तो ज़्यादा कुछ मुझे यूज़ करने को सीरियसली बोलूँ तो बिल्कुल मन नहीं करता है, कभी अगर बहुत इच्छा हुई तो कर लिया, अदरवाइज आई जस्ट स्किप। घर पे मैं जब भी रहती हूँ मैं नॉर्मल ही खुद को प्रेफर करती हूँ, ज़्यादा मेकअप वगैरह सीरियसली आई डोंट लाइक। अगर मुझे कुछ फंक्शन वगैरह, पार्टी वगैरह या ऑफिस जाना है, देन मेरा नॉर्मल मेकअप होता है, जो ऑफिस मेकअप होता है मिनिमम। देन थर्ड वन इज दिस वन, ये भी लॉरियल ब्रांड का है और आई थिंक बहुत सारे लोग इसे भी जानते होंगे। हेलोरोनिक एसिड है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा वर्क करता है हमारी स्किन पे। इसका काम क्या है, इसका काम है हमारी स्किन को स्मूथ बनाना, प्लम्प बनाना, और हमारी स्किन में जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको लॉक करना, हाइड्रेशन फुली लॉक करेगा ये। 1.5 की इसकी परसेंटेज का सीरम है ये, और ये भी बिल्कुल वाटरी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब जस्ट इसके बाद आप इसको यूज़ करोगे, बट इससे पहले इसे यूज़ मत करना, मतलब फर्स्ट आप ये माइक्रो एसेंस यूज़ करो, देन आप ये हियालोरोनिक एसिड यूज़ कीजिए, आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँ तो सिंपल इसका फर्स्ट एंड लास्ट इंग्रेडिएंट हियालोरोनिक एसिड ही है, जो कि 1.5% की कंसिस्टेंसी में है, काफ़ी अच्छा है ये भी, ये भी काफ़ी दिन चल जाता है, ज़्यादा नहीं, एक से दो तीन ड्रॉप की आपको ज़रूरत होती है, दैट्स इनफ, हो गया आपका डे एंड नाइट का रूटीन में इसको मस्ट रखिए, ये आपकी स्किन पे रियली वर्क करता है, कोई भी स्किन हो, ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन पे अलग करेगा, सेंसिटिव स्किन पे अलग करेगा, ऑयली पे अलग करेगा, सब पे आपके बराबर से ये वर्क करेगा। देन उसके बाद मैं ये क्रीम प्रेफर करती हूँ, लॉरियल का ही है ये, रेविटालिन हाइलोरोनिक एसिड करके है, चेक कर सकते हो। ये भी मैंने पैक साइज में बॉटल मंगवाई थी, इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, 15 ml आई थिंक, 15 ml काफ़ी, बट ये प्रोडक्ट्स काफ़ी कॉस्टली है, 15 ml का प्रोडक्ट मुझे एक अच्छा खासा रेट में पड़ा था, बट ठीक है उस वक्त डिस्काउंट्स चल रहे थे तो मुझे ठीक ठाक ऑफर्स में मिल गए थे ये, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए हुए, बहुत मैंने थोड़े दिन में ऐसे ही रख दिया था, इसे यूज़ नहीं किया था, बट जब भी से मैं यूज़ कर रही हूँ तब से मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला है। इवन आप देख सकते हो बॉटल बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, मतलब कितना मैंने इसको खाली कर दिया अभी तक, तो मुझे भी न्यू परचेज करना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आप सीरम के बाद इसको डायरेक्टली डे क्रीम को यूज़, डे एंड नाइट दोनों टाइम में यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगा आपकी स्किन को प्लम्प बनाने के लिए। इन्होंने भी इसमें क्लेम किया है कि ये आपकी स्किन को प्लम्प बनाएगा, और डे क्रीम है सो नॉन स्टिकी है, बिल्कुल चिप चिप वगैरह आपको बिल्कुल नहीं होगी, आप आराम से इसे कैरी कर सकते हो, अपने मेकअप के साथ भी कैरी कर सकते हो। देन उसके बाद स्किन केयर में जो मॉर्निंग में होता है ना, वो होता है मेरा सनस्क्रीन, जो मैं सनस्क्रीन एक्चुअली अभी लाई नहीं हूँ, बट सनस्क्रीन होता है मॉर्निंग टाइम के स्किन केयर में होता है, बट नाइट में नहीं होता है।
मैं भी नाइट के स्किन के साथ शेयर कर रही हूँ. सो नाइट में आफ्टर दिस क्रीम लॉरियल का, देन आई यूज दिस सीरम. इन दोनों में से कोई भी अगर जो भी मुझे प्रेफर हुआ मैं वो सीरम यूज़ करती हूँ. बट मोस्टली मैं ये जो आपका कुकुम्बर एंड लेमन का सीरम है देख सकते हो आप गुड वाइब्स का, मैं ये यूज़ कर रही हूँ. बिकॉज ऑफ क्या है ना, मुझे थोड़े थोड़े से बम्प्स हो गए हैं स्किन पे, थोड़े से डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, कभी कभी पिंपल्स भी आ जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बहुत ज़्यादा. इवन आई नोटिस टू मेरी स्किन बहुत चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस मुझे खुद फील होता है कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ गई है. सो मैं अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रही हूँ प्रोडक्ट्स के साथ, ना मैं फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ. पर जो भी मेरा मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करना होता है मैं उतना ही यूज़ कर रही हूँ. सो मैंने लास्ट ये रखा है एक सीरम, बिकॉज ऑफ इसका रखने का रीज़न ये है ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है. सीरम लगाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्वेफ्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी लगता है. सो मैं थोड़ा कम ही मतलब यूज़ करती हूँ, कभी कभी अवॉइड भी कर देती हूँ. बट ये माइंड ब्लोइंग है, बिल्कुल स्टिकीनेस नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है. आप इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाता है. अगर कभी ये नहीं यूज़ हुआ तो सेकंड मोस्ट फेवरेट माई रोज़ हिप सीरम, इसके बारे में तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे ये कितना बेनिफिशियरी है. सो ये दो सीरम में से कोई भी, बट अभी मैं इसको बहुत कम यूज़ कर रही हूँ. मैं अभी फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ एवरी डे 10 to 15, वन मंथ हो गया अप्रॉक्सीमेटली मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ. क्योंकि क्या है ना, ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है तो मुझे अभी ये ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ मैं. ईजी रहता है मुझे यूज़ करने में, ज़्यादा ब्लेंड वगैरह नहीं करना पड़ता, ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना पड़ता, ईजिली ऑब्जॉर्व हो जाता है. सो लास्ट एंड फाइनल सीरम हो गया. देन उसके बाद सिंपल रूटीन है तो लिप बाम के बिना तो कोई भी रूटीन कंप्लीट नहीं होता है. सो लास्ट फिनिश जो होता है वो होता है लिप बाम के थ्रू. ये ओरिफ्लेम का लिप बाम है, काफ़ी अच्छा लिप बाम है एक्चुअली. मैं आपको इसका अंदर से भी दिखाती हूँ, कुछ ऐसा है ये नॉर्मल लाइक बटरी. आपको एक बार अगर आपने अप्लाई किया आपको सेकेंड अप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छे से वर्क करता है, पूरी नाइट ये स्टे रहता है. एंड इवन आपको अगर रैशेज वगैरह हो गए हैं या कुछ एलर्जी हो गई है या आपकी स्किन पे थोड़ी डार्कनेस आ गई है, तभी भी आप इसको अगर यूज़ करते हो ना, आपके नीज एरिया पे हो गए या आपके एल्बो एरियाज भी हो गए, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा आपको वर्क ये करके दिखा रहे. एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत अच्छे से वर्क करता है. बिल्कुल छोटू सा है देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा क्यूट बॉटल. इसके ऊपर एक्चुअली कुछ मेंशन नहीं है, मुझे भी याद नहीं है इसका एग्जैक्टली नेम क्या था. तो टेंडर बाम करके कुछ था ओरिफ्लेम का ये. तो आपको अगर कभी ओरिफ्लेम से कुछ परचेस करते हो तो आप एक बार ये भी परचेस करके देखना, दैट्स रियली वेरी गुड. सो मेरे रूटीन केयर के जो भी प्रोडक्ट्स थे स्किन केयर के नाइट के मैंने आपके साथ शेयर किया आज. अब बताइए अगर मुझे कुछ और अलग से ट्राई करना चाहिए बताइए कमेंट में. और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी स्किन केयर रूटीन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड प्लीज़ बी सेफ, बी सैनिटाइज एंड बी प्रोटेक्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ डेज. बी सेफ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.